ये हॉस्टल रूम। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड न्यू व्लॉग। सो आप लोगों ने कहा था कि मैं पीछे देख रहे हो आप लोग आरएनटीयू का हॉस्टल, आप लोगों ने कहा था कि मैं हॉस्टल के ऊपर एक वीडियो बनाऊं। तो यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल दोनों हैं, बट गर्ल्स में मैं किसी को जानती नहीं, मैं हॉस्टल में जाके मैं वीडियो शूट नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मैं अपने फ्रेंड का हेल्प ले रही हूँ। ये जाएगा और आप लोगों को हॉस्टल का वीडियो दिखाएगा। सो या आगे आप लोग देखो। लोगों ने बोला था कि आरएनटीयू का लाइब्रेरी और क्या कहते हैं कि हॉस्टल के लिए, तो हम चलने अभी आपको हॉस्टल दिखाते हैं कि हॉस्टल है कैसा और हॉस्टल में वास्तविकता में है क्या। तो आपको हॉस्टल की सारी चीज़ें मैं बताऊँगा और बॉयज़ हॉस्टल में जा सकता हूँ, तो इसलिए मैं बॉयज़ हॉस्टल ही जा रहा। प्रतिभा के गर्ल्स में कोई फ्रेंड नहीं है, इसलिए वो गर्ल्स हॉस्टल नहीं जा पाएगी, तो मैं जाकर बॉयज़ हॉस्टल का सुटआउट कर रहा। ठीक है भाई, मिलते हैं अभी। वो हॉस्टल है सरोजनी नायडू ब्लॉक, जो ये गर्ल्स हॉस्टल है, और इस हॉस्टल की 3 बिल्डिंगें गर्ल्स की हैं और 1 बिल्डिंग बॉयज़ हॉस्टल है आपका। ये देख सकते हो सीधा, ये सारी गर्ल्स हॉस्टल हैं अभी हमारे सामने। आगे गेस्ट हाउस, जिम, मेस, ये चीज़ें हैं। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और ये हमारे मित्र हैं रोशन राज, जिनके साथ हम जाएंगे इनके रूम और इनको पूरे रूम का रिव्यू देंगे आप लोगों को। तो चलना है बॉयज़ हॉस्टल के अंदर। बस ये गर्ल्स हॉस्टल की एंट्री है, सामने देख सकते हैं जैसा कि आप। हेलो गाइस, गेस्ट हाउस, जिम, मेस, अभी हम चलने बॉयज़ हॉस्टल की तरफ। दोस्तों हम आ गए हैं बॉयज़ हॉस्टल के सामने जस्ट, अब यहाँ से हमारी एंट्री होगी और चल के मैं आपको रिव्यू करता हूँ रूम का कैसा है, क्या चीज़ें हैं, कैसी हैं। ये रहा बॉयज़ हॉस्टल, ये बस लॉबी है, यहाँ सारी बसें खड़ी होती हैं, बस स्टैंड कह सकते हैं इसको। चलिए हमारे साथ देखते हैं। ये आप आ गए हॉस्टल के अंदर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पानी पीने का लगा हुआ है और ये सीढ़ियाँ। ये हमारे रोशन भाई आगे आगे चल रहे हैं हमको बताने के लिए और इस चीज़ों को दिखाएंगे। ये कुछ लिस्ट लगी हुई है ऐसे ग्रुप की, इसको आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, डस्टबिन। रूम कौन सा भाई? ये देखो, ये हम हॉस्टल, ये सबके लिए वॉशरूम लग रहा है, सबके लिए वॉशरूम। ये वॉशरूम से जैसे कि 2 रूम के लिए एक वॉशरूम है, आप देख सकते हैं। ये हॉस्टल रूम जो कि अच्छा है, रूम तो प्यारा है, रूम में कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ें सही हैं, देख सकते हैं आप। रूम फैसिलिटीज हैं, आपको सोने के लिए मैट और गद्दा भी दी जाती हैं, बकेट वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहीं पे, जो कि आपको लाना नहीं पड़ेगा। आपको बोर्ड देख सकते हैं आप, कितने सारे बोर्ड्स भी हैं चार्जिंग के लिए, और फैन भी एक है रूम में, तो ठीक है, हॉस्टल अच्छा है। वॉशरूम वगैरह, ये बेड होता है हॉस्टल का जो आप यहाँ स्पष्ट देख सकते हैं, और एक बालकनी जहाँ आप खड़े होकर अच्छा खासा वातावरण और पहाड़ों का नज़ारा देख सकते हैं। बाकी यहाँ कुछ दूर दूर तक कोई दुकानें नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है, सिटी से काफ़ी दूर है, तो चीज़ें आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। जैसा आपने हॉस्टल देखा अभी, हम गए हॉस्टल का रिव्यू लिए, तो हॉस्टल अच्छा है। आप अगर एकांत वेदर में, जैसे कि यहाँ दुकान उकान नहीं है, आप मार्केट वाले नहीं हो, तो आप यहाँ बहुत अच्छे से सरवाइव कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको रहने में। थैंक यू, फिर मिलते हैं। मेस की तरफ चल रहे हैं, मेस का खाना दिखाते हैं आपको। मेस में देखिए बच्चे खाना खा रहे हैं, अगर खाना अच्छा मिलता है तो आप, जैसा कि लड़कों का रिव्यू देख रहे हैं कि खाना अच्छा है, फूडिंग की व्यवस्था सारी सही है। ये अपना मेस एरिया है, देख सकते हैं दाल चावल सब्जी। सो गाइज, आप लोगों ने हॉस्टल वीडियो देखा होगा,
मैं तो जा नहीं सकती थी इसलिए मैंने इससे सूट करवाया। और हॉस्टल में आप लोगों ने देखा कि एक रूम में 3 बेड लगा हुआ है और आई थिंक 1 मंथ के 4500 लगते हैं। खाना वगैरह भी सही है, अगर कॉलेज के हॉस्टल में रहना चाहते हो तो रह सकते हो, बट या ऐसे जगह पर रहना होगा। और नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ी चलती है कॉलेज में, और जाने से पहले बिना पूछे नहीं जा सकते कॉलेज से बाहर, नहीं तो 500 का फाइन लगता है। पास लेके जाना पड़ेगा। हाँ। दिन में एक गेट पास मिलेगा बस। यस, पास लेकर जाना पड़ेगा, सिर्फ आपको एक ही बार पास मिलेगा, उसके बाद आपको पास नहीं मिलेगा जाने के लिए। मतलब आप सिर्फ एक बार जा सकते हो, रात में तो जा ही नहीं सकते हो। और अगर बिना बताए गए तो फिर 500 रुपये क्या पेनाल्टी। सो या आप लोगों ने हॉस्टल वीडियो देख लिया, थैंक। और क्या बताना है, जस्ट 1 किलोमीटर दूर एक ढाबा है हॉस्टल के जस्ट पीछे, अगर आप कुछ खाना होगा तो वहाँ जाना पड़ेगा, 1 किलोमीटर दूर पे है। ओके। इधर आगे चौराहा है बंगरसिया, जिसकी डिस्टेंस 3 किलोमीटर है। ठीक है फिर। हाँ, पैदल पैदल जा सकते हो। ओके गाइस, ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है बहुत ही डल है, गाड़ियाँ रुक रुक के बहुत कम ही आती हैं, स्कूल की बहुत कम गाड़ी चलती है। अब देख लो क्या करना है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।